अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और हर बुराई से, हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सो हियर इज माय न्यू व्लॉग, और आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जाहिर सी बात है, व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ एयरपोर्ट, और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो पहले से व्लॉग्स देखते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं किसको लेने जा रही हूँ। और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैं बाबा को लेने जा रही हूँ। लिटरली मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। तो यस, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा व्लॉग होगा, और आप लोगों ने पूरा देखना है, मुझे कमेंट में बताना भी है कि व्लॉग कैसा था। बाबा की फ्लाइट रात की है, एमिरेट से आ रहे हैं, तो बस रात की फ्लाइट है। अब सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह मैं उठी, नाश्ता किया, मैंगोज ले लिए थे क्योंकि मुझे कुछ हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, जैसे ही मैं उठी थी मैंने अपना हेयर मास्क बना के वो लगा लिया था नाश्ते से पहले। वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हेयर मास्क मैं आपको काफी व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ। तो बस मैंने जल्दी से हेयर मास्क लगाया। अगर आपको देखना है तो लास्ट व्लॉग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन मैंने शावर लिया, उसके बाद जो मुझे कराची इवेंट में ड्रेस पहनना है उसको थोड़ा सा अच्छा किया, वो स्टिच होके आ गया था। मैंने प्लेन सिंपल सी लॉन्ग शर्ट स्टिच करवाई थी, और नेक पे स्लीव्स पे कुछ नहीं लगवाया, तो बस मुझे सिंपल लग रहा था बहुत ज्यादा खाली खाली। तो मैंने स्लीव्स और नेक में स्टोन्स लगा लिए थे, दामन पे मैंने टसल्स लगा लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हिलते हुए, मूव होते हुए, लटकते हुए। तो बस मैंने टसल्स लगाए, लॉन्ग शर्ट भी थी तो लॉन्ग शर्ट पे वैसे ही टसल्स काफी अच्छे लगते, और पार्टी वेयर भी था तो बस मैंने सोचा कि टसल्स लगा लेते हैं तो अच्छा लगेगा, काफी अच्छा लुक आ रहा था। अच्छा, नेक पे मैंने इसलिए भी लगाए थे क्योंकि मुझे नेक में कुछ भी नहीं पहना था, लाइक एक सिंपल चेन भी नहीं पहननी थी, तो बस इसलिए मैंने नेक पे स्टोन्स लगा लिए थे ताकि नीट ना हो पहनने की। उसके बाद पे मैंने अपनी पैकिंग वगैरह की। अच्छा, पैकिंग में मुझे बहुत मजा आता है, मैं मामा से कहती हूँ मामा पैकिंग मैं ही करूंगी वापस, लाइक जो आप अपने ट्रिप से वापस आ जाते हो और फिर पैकिंग खोलते हो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे पैकिंग करना बहुत पसंद है। देन अब कराची निकलने का भी टाइम हो रहा था, तो बस मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले। ड्रेस मैं आज ये वाला पहनूंगी, येलो शर्ट लाइमलाइट की, ये मैंने आप लोग को दिखा चुकी हूँ एक ब्लॉग में। और इसके साथ मैंने व्हाइट लेग जीन्स ले ली थी, तो देखते हैं कैसा लुक आता है, काफी अच्छा सोचा है मैंने, बाकी देखते हैं कैसा लुक आता है। ज्वेलरी मैंने ये निकाली है इसके साथ, व्हाइट एंड गोल्डन, बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट सा रेडी होना है क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी भी है और एयरपोर्ट जा रहे हो तो बिल्कुल कैजुअली जाते हैं वहां पे। एंड वहां से अब किसके घर जाते हैं वो आपको इसी व्लॉग में पता चलेगा। तो बस ये मैंने लाइट लाइट से कुछ ज्वेलरी निकाली है, गोल्डन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, ब्लैक एंड व्हाइट ज्वेलरी की जो बात है ना, वो कलरफुल ज्वेलरी में है ही नहीं, लाइक इतना डिसेंट, इतना ग्रेसफुल लुक आता है ना। मुझे गोल्डन ज्वेलरी तो बहुत ही पसंद है, और गोल्डन के साथ ब्लैक हो, व्हाइट हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। इन कलर्स की ज्वेलरी में बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट, बहुत ग्रेसफुल लुक आता है। रेगुलर कैजुअली समर्स में ना यही कलर्स की ज्वेलरी अच्छी लगती है, कलरफुल ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो भी कुछ ड्रेसेस पे अच्छी लगती है, लेकिन रेगुलर वेयर में ना यही ज्वेलरी अच्छी लगती है। बस मुझसे इस टाइम बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, मैं चाह रही थी बस जल्दी से तैयार हूँ और जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाऊँ, जल्दी बाबा आ जाए। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, इतना इंतजार हो रहा था बाबा से मिलने का। जाहिर सी बात है आप इतने टाइम बाद अपने पेरेंट्स से या फादर से, मदर से मिलोगे तो एक्साइटमेंट तो होगी। इतना बिजी थी मैं इस टाइम, मुझे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग अपना रिकॉर्ड किया, आप लोगों को साथ रखा क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ एक एक चीज शेयर करनी थी। मुझे मेकअप भी रिकॉर्ड करना था लेकिन बस वो नहीं कर सकी क्योंकि टाइम का इशू बहुत हो गया था। एंड में ना बारिश भी हो गई थी, मौसम इतना कोई हसीन हो गया था, लेकिन बस मैं एंजॉय नहीं कर सकी बारिश क्योंकि मुझे एयरपोर्ट निकलना था फॉरन। मैं जैसी रेडी हुई हूँ, बहुत बहुत तेज बारिश हो गई थी और गाड़ी भी आ गई थी बाहर, इतना पानी पानी हो गया था, तो बस शूज मैंने नहीं पहने, मैंने स्लीपर्स पहन ली थी घर की, वो भी जावी की, बिल्कुल न्यू शूज है मेरे, फर्स्ट टाइम ही पहन रही हूँ बाबा को लेने जाने के लिए। तो बस बाहर पानी पानी कीचड़ हो रही थी तो मैंने कहा खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉपर में रख के लेकर आ गई थी इसको। जाहिर सी बात है अपनी चीजों की केयर करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, तो वो ज्यादा टाइम तक अच्छे से चलती हैं। अच्छा, तो मौसम देखें इतना प्यारा हो रहा है, लिटरली इतना मजा आ रहा था ना, और क्लाउड्स बहुत अच्छे हो रहे थे हाईवे का, अभी मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी, इतना प्यारा हो रहा था। सनसेट मुझे ना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, सनराइज भी एंड सनसेट भी, तो वो भी देखा मैंने, इतना अच्छा लग रहा था, क्लाउड्स भी काफी अच्छे लग रहे थे। लाइक मुझे स्काई ना, लाइक मून है, क्लाउड्स हैं, सनसेट है, सनराइज है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा, एक अलग वाइब आती है, एक अलग लुक आता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कुदरत है। सब अल्लाह ताला ने कितना अच्छे से बनाया है, कितना खूबसूरत तरीके से बनाया है। अच्छा खैर, फिर बाबा के लिए हमने रुके, यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लिए, बुके लिया। अब बारिश इतनी हो रही थी, कुछ जगह खुली हुई थी, कुछ नहीं खुली हुई थी, तो बस जो रास्ते में हमें जगह मिली हमने वहाँ से बाबा का बुके ले लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा वेदर हो रहा था, बहुत हसीन स्काई हो रहा था। मैंने तो पूरे रास्ते स्काई एंजॉय किया। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा भर गया था, और रास्ते में भी बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी थी, हल्की हल्की थी, बट मज़ा आ रहा था। वेदर काफ़ी अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी इस दिन जिस दिन हम लोग गए थे, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे गर्मी लगी कराची में। मैंने सुना था इतनी गर्मी नहीं है कराची में, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी है। और बस वेदर जाते टाइम तो अच्छा था, तो मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि बारिश हो गई थी तो वो गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो गई थी, और एक एक्साइटमेंट भी थी, एक बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था कि बस बाबा साहब मिलने वाले हैं। और बस फाइनली फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, और ये वाला टाइम जो होता है ना, बस इस टाइम तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता है। मेरा दिल करता है बस अंदर जाऊँ और बाबा सामने खड़े हों, लेकिन लिटरली इतना हम लोगों ने इंतज़ार किया था, इतना इंतज़ार किया था, लाइक बहुत लेट बाबा निकले थे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए होंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था रात का टाइम, आप लोगों को पता है ट्रैफिक होता है हाईवे पे, और दूसरी बात ये कि बारिश भी हो गई थी, तो इसकी वजह से ड्राइविंग स्लो हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद हम लोग लेट हो जाएं। लेकिन बाबा इतने लेट हो गए थे, हम लोगों ने काफ़ी वेट किया, उसके बाद कहीं जाके बाबा आए हैं, और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, तो बस फातिमा पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रही थी, साथ साथ मुझे भी अपडेट मिल रही थी मैच के अबाउट के क्या क्या हो रहा है। लेकिन क्या ही फायदा मैच देखने का, पाकिस्तान तो हार गया। लेकिन सीरियसली बहुत दुख होता है जब आप इतना क्लोज जाके आउट हो जाओ, हार जाओ, और दूसरी बात यह है कि जब आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, स्टार्टिंग काफी अच्छी थी, स्टार्टिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बस एंडिंग थोड़ी सी गलत हो गई, जिसकी वजह से मैच हार गए हम लोग। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमें ही मिलनी है, इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें। और बस फातिमा को तो इतना क्रेज है ना मैच का, उसने स्पेशली पैकेज करवाया था पाकिस्तान के मैच के लिए। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सेफली पहुंच गए हैं, और लिटरली इस टाइम जो खुशी का ठिकाना था हम लोगों का, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत बहुत सुकून, रिलैक्स फील हुआ बाबा को अपने सामने देख के, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सबके लिए यही दुआ है कि जो ट्रैवल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से अपने प्यारों से मिलवाए, घर पर जाए, आमीन सुम आमीन। क्योंकि जो एयर वाला ट्रैवल होता है ना, उसमें मुझे बड़ा डर लगता है। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस साथ खैरियत से पहुंचा दे। सो बाबा आ गए हैं पाकिस्तान, और हमारे साथ होंगे व्लॉग्स में, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब और भी मजे मजे के व्लॉग्स आएंगे। आप लोगों ने हर व्लॉग देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो व्लॉग आए आपको अपडेट मिल जाए। अच्छा जी, तो एयरपोर्ट पे काफी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, लास्ट टाइम मैं आई थी तो जब मुझे वीडियो बनाने दी थी, लेकिन अभी मैं सुन रही थी कि वीडियो अलाउ नहीं है और सबको मना कर रहे थे वो, तो बस इसलिए मैंने भी एंट्री की वीडियो नहीं बनाई बाबा की, क्योंकि फिर जाहिर है बुरा लगता है अगर आपको कोई मना करे, और मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि अगर मुझे मना कर दे कि आप वीडियो रिकॉर्ड मत करो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए फिर मैंने खुद से ही नहीं बनाई। खैर, हम लोग पहुंच गए हैं पप्पो के घर, और काफी देर से वेट कर रहे थे पप्पो वगैरह, क्योंकि हमने इनको कहा था कि हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, 11 तो हमें एयरपोर्ट पे ही बच गए थे, बल्कि ज्यादा ही टाइम हो गया था, तो बस फिर जाहिर सी बात है यहाँ पहुँचते पहुँचते भी हम लोग काफी लेट हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। लिटरली इस टाइम जो थकन फील हो रही थी ना, इतनी टायर्डनेस हो रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा जो ट्रैवल था ना, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन बस फिर जब एयरपोर्ट पहुंचे और 1-2 आवर्स हम लोगों ने वेट किया, उसने बहुत थका दिया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुंच गए। अच्छा खैर, पे साथ ही पानी वगैरह पिया, मैच लगाया, और हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए थे, लेकिन मैच पहले लगाया क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच था, बट LED पे लग नहीं रहा, तो सबने अपने अपने मोबाइल में लगाया, लेकिन बस हार गया। चले नेक्स्ट टाइम हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे खाने की प्रिपरेशंस भी हो रही हैं। बस फ्रेश हुए और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी देखने की क्या क्या बना है, क्योंकि मुझे बिरयानी की खुशबू घर में एंटर होते ही आ गई थी, इतनी मजे की खुशबू आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत मजे का बना था, और पप्पू ना खाना बड़े मजे का बनाती है। लिटरली बिरयानी तो मेरे घर में सभी बहुत मजे की बनाते हैं।
लग गया है, साथ साथ मैच भी देखा जा रहा है। अच्छा, फातिमा को ना मुझसे ज्यादा शौक है, लिटरली मैं बस देख लेती हूँ बीच बीच में से आके, लेकिन फातिमा ऐसी कि एक बॉल भी मिस नहीं करती। और खाना भी साथ साथ चल रहा था, मैच भी साथ साथ चल रहा था, बातें भी साथ साथ चल रही थी, डिस्कशन भी साथ साथ चल रही थी, तो बहुत मजा आ रहा था। और ये होता है क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम, जो मुझे लगता है कि बहुत प्रीशियस टाइम है। मुझे तो फैमिली गैदरिंग्स में बहुत मजा आता है, फैमिली टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज को खुश रखे और सब लोगों को अपनी फैमिली के साथ खुश पास रखे, अच्छे से रखे, प्यार मोहब्बत से रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, सबने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने नहीं किए थे क्योंकि मुझे अपना लुक, अपना ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। फुल लुक मैं आप लोगों को पिक्चर अटैच करके दिखा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया लेकिन मैं पिक्चर अटैच करके दिखाऊंगी, आप लोग जरूर बताइएगा। बाबा लेकर आए थे मैकबुक, तो बस उसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे, देख रहे थे उसको, सेटिंग वगैरह कर रहे थे उसकी। उसके बाद हम लोग का मूवी का प्लान बन गया। अच्छा, गर्मी इतनी है तो बस एसी की वजह से एलईडी अंदर रखवाई और सुकून से लेट के देखनी थी, लाइक रिलैक्स होकर। फातिमा का ड्रेस तो बहुत रिलैक्सिंग वाला था, तो फातिमा ने ड्रेस चेंज नहीं किया लेकिन मुझे करना था, बट मुझे अपना लुक भी अच्छा लग रहा था। और सच्ची बात यह कि मैं नाइट सूट में ना अपना जस्ट ट्राउजर रख के लेकर आई थी, शर्ट नहीं रख के लेकर आई थी, क्योंकि मैं ना शर्ट बाबा की ही पहनती हूँ, बाबा मुझे दे देते हैं, मैं फिर पहन लेती हूँ, वो छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, तो बाबा की शर्ट्स मैं ही पहनती हूँ। इसलिए मैंने नाइट ड्रेस के लिए ना शर्ट नहीं रखी थी और मैं इंतजार में थी कि बाबा की हैंडकरी खुलेगी तो उसमें से मामा मुझे शर्ट देंगी, तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी हैंडकरी खुलवाई और फिर शर्ट ली। इतनी कम्फर्टेबल भी होती है, लूज फिटिंग की होती है, तो रात में मैं ज्यादातर मोस्टली शर्ट पहन के सोती हूँ बाबा की। अच्छा जी, तो ये था आज का बहुत मजेदार सा व्लॉग जिसमें मैं बहुत खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा दिन स्पेंड हुआ। आई होप यू लाइक एंड एंजॉय माय व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।